फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इस वक्त हम लोग लाल किले के सामने लाजपत राय बाजार में मौजूद है, जहां पर सड़क के किनारे बनी तकरीबन 100 के करीब कपड़ों की दुकान में सुबह 4:30 बजे के करीब अचानक से आग लग गई। आग लगने की जानकारी जैसे ही लोगों को चली, लोगों ने तुरंत फायर डिपार्टमेंट को फोन किया और फायर की 12 से 13 गाड़ियां यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और अब अभी भी देखिए यहां पर कूलिंग का काम चल रहा है, क्योंकि कपड़े की ये बाजार थे तो आग बड़ी तेजी से इन दुकानों में फैला और जब तक काबू पाया जाता तब तक करीब 100 दुकानें इस आग के चपेट में आ गई थी, जिनमें रखे सारा सामान, जो आप देखिए जो कपड़े थे वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, उनकी दुकानें यहाँ पर हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विकास गुप्ता। विकास जी, आपकी कौन सी दुकान थी? यही है। यही दुकान आपकी है? ये आग कब लगी, कैसे आपको कब पता लगा? नहीं, मुझे तो सुबह 6 बजे मालूम पड़ी है। 6 बजे? हाँ जी। कितनी दुकानें थी जिनमें आग लगी? तकरीबन 100 के करीब है। 100 के करीब दुकानें हैं जिनमें आग लगी। किसी के घायल वाल होने की जानकारी आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं है। ये बाजार कब बंद होता है? ये 8 बजे बंद हो जाता है। ज्यादातर कपड़े की ही दुकान? हाँ, कपड़े की मार्केट है। टोटल कपड़े की ही मार्केट है, तो कपड़े की ही दुकान है। लेकिन क्या कोई वजह पता लगी? नहीं, कोई नहीं मालूम पड़ा। कोई वजह नहीं मालूम? कोई वजह अभी नहीं पता लगी। अभी कूलिंग का काम यहाँ पर जारी है। फायर के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि एक बार जब पूरी तरीके से आग बुझा ली जाएगी तो इस बारे में जांच की जाएगी कि आग कब और कैसे लगी।